ओ, 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 ओ जिंदगी फिर से जागा है खुशियों का ये एहसास जो चमकता दमकता प्रोग्राम के जो फाउंडर हैं उन्हें लखानी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि एक कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं रखते लेकिन उसके बावजूद कराची का दर्द रखते हुए उन्होंने एक फ्लाई काम की हवाले से एक काम पूरे कराची के अंदर शुरू किया है जिसका नाम चमकता दमकता कराची रखा है। काम तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट के वो इदारे जो इससे रिलेटेड हैं, लेकिन वो गुज़िश्ता 30 साल से सो रहे हैं और उसकी वजह ये है कि हमारी जो आवाम है वो उनको जगाने में काफ़ी तंग आ चुकी है। KMC के पास जब हम जाते हैं या DMC से रिलेटेड इदारों के पास जाते हैं जिनका एक काम है जिनको हम बल्दियात कहते हैं, तो उनका कहना ये कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो मैंने जो सर्च की अपने हलके के अंदर तो उसके अंदर कागज़ों के अंदर जो है वो स्वीपर्स अवेलेबल हैं, सैलरियाँ वो ले रहे हैं लेकिन ऑन ग्राउंड वो मौजूद नहीं है। 5 दिन का प्लान है हमारा, आज कीमाबाद में है, नेक्स्ट हम अल्ताफ टाउन बिठाई कलोनी में, उसके बाद अलावाला टाउन और उसके सामने क्रिश्चन टाउन है और चक्रागोट, क्योंकि दिन बड़े कम हैं, इलाके तो बहुत ज़्यादा हैं। ये बेड़ा उनेद लखानी साहब ने उठाया, एक फ्लाई काम का उन्होंने बेड़ा उठाया, वो के 4 से 5 दिन का काम नहीं है, हर इलाके में वो जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं अपनी आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि जहाँ जहाँ कम से कम सफाई होती जा रही है उसका बेड़ा अब हमारी आवाम को खुद भी उठाना चाहिए। ज़माना हमारा है, बनके सितारा ये चमकेगा।